olive branch to the terrorists by declaring a unilateral ceasefire in the Kashmir Valley, but the terrorists, it seems, have been emboldened. They have killed on will, they have targeted our security forces. Yesterday, they abducted an army jawan and later his bullet-ridden body was found. They also targeted and killed a noted journalist, Sujat Bukhari, and two of his PSOs. Right now, we are joined by the Deputy Chief Minister of Jammu and Kashmir, Mr. Kavinder Gupta. Sir, kya lagta hai aapko ki kis tarah ke halat ban gaye hain ki terrorists, they are striking at their own will? Dekha hai, atankwad ka jo dharm hai, atank phailana, aur wo apna kaam kar rahe hain. Jo kal ki jo durghatna hui, rifleman Aurangzeb ko agwa karke mara jana aur Sujat Bukhari ke daftar se nikalte us par इस प्रकार का अटैक करना निश्चय ही चिंता का विषय है और शहर के मध्य में ये घटना हुई है. मैं कल शाम को पुलिस कंट्रोल रूम में गया था, हर घटना की जानकारी ली थी और खास करके सभी फोर्सेस को कहा गया है कि इसको सारी जो सिक्योरिटी का रिव्यू कीजिए और आने वाले समय में रमज़ान का महीना खत्म हो रहा है और उस पर नई रणनीति बना करके इनको ढूंढ निकाली और मार. कौन लोग हैं जिम्मेवार इसके पीछे? क्या कोई लीड मिली है? आईएसआई का हाथ है, पाकिस्तान का हाथ है, कौन लोग हैं सर? ऐसा है कि इस प्रकार की कोई चीज़ें अभी सामने नहीं आई है. सीसीटीवी की फुटेज जो हमने देखी है वो आपके चैनल के माध्यम से भी दिखाई जा रही है. जो हमारी एजेंसीज हैं उस पर काम कर रही हैं, जल्दी उनको ढूंढ निकाला जाएगा. सर, जो यूनिलैटरल सीज फायर था, कई एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि एक बहुत बड़ी चूक थी जिस वजह से टेररिस्ट को एक मौका मिला रीग्रुप होने के लिए और इतने मैसिव स्केल पे जो अटैक्स लॉन्च करने के. क्योंकि कल का जो सुजात बुखारी वाला इंसिडेंट है काफ़ी चिंताजनक है, बिकॉज हार्ट ऑफ श्रीनगर सिटी में टेररिस्ट एक AK-47 गन्स लेकर पहुँच रहे हैं और एक जर्नलिस्ट को टारगेट कर रहे हैं. ऐसा है कि कहीं ना कहीं जो पब्लिक सपोर्ट, लोकल सपोर्ट उनके साथ है, तभी इस तरह की जो घटना को अंजाम दिया गया. तो मेरा ये कहना है कि ये जो सारे हालात बने हैं, इस सब में ये कोशिश की जाएगी कि द्वारा इस प्रकार की घटना ना हो. जहाँ तक आपने कहा कि सीज़ फायर तो दो देशों के बीच में होता है, ना कि मिलिटेंट्स के साथ कहीं सीज़ फायर था. तो इस दौरान भी हमारी तरफ से ये कोशिश थी कि ड्यूरिंग रमज़ान के महीने को गुडविल जेस्चर देते हुए कि इस प्रकार के जो ऑपरेशंस को हमने सस्पेंड किया था, लेकिन जब उधर से कोई वार आया तो उसको छोड़ा नहीं गया. आप एक पिछला रिकॉर्ड देखेंगे तो सभी को कहीं ना कहीं मार गिराया गया आतंकियों. सर, ये जो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन था, क्या इसको रिवोक किया जाएगा कि ईद के बाद फिर कंटिन्यू किया जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. ये तो रमज़ान के महीने को देखते हुए जो हमारे वहाँ का लोकल यूथ है वो इसमें इन्वॉल्व ना हो, उसमें एक प्रयास किया गया था, लेकिन मुझे लगता है कि वो कुछ हद तक सफल हुआ. लेकिन ईद की संध्या के दौरान जो घटना हुई है निश्चय ही चिंता. ऑपरेशन ऑल आउट रिज्यूम किया जाएगा? डेफिनेटली, सेना पहले भी अपना काम कर रही है, उस काम को आगे बढ़ाएंगे. सर, ये जिस तरह की ये आतंकी घटनाएं हो रही हैं, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का कितना हाथ है इसमें? क्योंकि पाकिस्तान ने भी एक स्टेटमेंट जारी की है, उन्होंने कंडेम किया है सुजात बुखारी की किलिंग को. पाकिस्तान एक झूठ का पुलंदा है. वो समय समय पर खुद ऐसी प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे करके, तो ऐसी ना तो पाकिस्तान सरकार का अपनी सेना पर कंट्रोल है, ना आईएसआई पर कंट्रोल, ना एजेंसीज पर कंट्रोल है. मुझे लगता है कि उनके समय समय पर इस पर उनका विश्वास नहीं किया जा सकता. सर, इस अगर पीडीपी आपको इंसिस्ट करती है कि ये जो सीज फायर है या सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन जिसे कहा जा रहा है, इसे कंटिन्यू किया जाए, तो बीजेपी का क्या रुख रहेगा? देश की एकता और अखंडता के साथ भारतीय जनता पार्टी ने कभी समझौता नहीं किया है, और अगर इस प्रकार की कोई कोशिश की भी जाती है उसको नकारेंगे हम. सर, एक यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने भारतीय सेना पर इल्जाम लगाया है कि ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है कश्मीर में, उसे कैसे देख रहे हैं सर? ऐसा है कि हमारी सेनाएं हमेशा संयम से काम लेती हैं. ह्यूमन राइट्स, मुझे लगता है कि यूएन को यह दिखाई नहीं देता कि हमारे फौजी कितने मर रहे हैं और किस प्रकार की ये जो घटनाएं होती हैं, तो हम इस रिपोर्ट को पूरी तरह से नकारते हैं. सर, एक आखिरी सवाल. सर, एक वीडियो सामने आया है जिसमें सीआरपीएफ की गाड़ी पे पत्थर मारे जा रहे हैं, बट सीआरपीएफ वाले रिस्ट्रेन कर रहे हैं, वो गोली नहीं चला रहे. तो किस तरह का एक मैसेज है उस वीडियो के जरिए कि हमारी फोर्सेज पे अटैक किया जा रहा है लेकिन हम रिटेलिएट नहीं कर रहे? नहीं, हमारी सेना संयम से काम लेती है, हमारी फोर्सेज संयम से काम लेती है, लेकिन जब वो हद से कोई बढ़ जाए तो उसको छोड़ती भी नहीं है. सेना को खुला हाथ दिया गया है सरकार की तरफ से.